अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना अकरम। आज आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बना रहे हैं चिकन स्टीक कबाब। ये बहुत मज़े के होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें, और कमेंट्स से बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। फिर देखिए, ये मैंने चिकन ले लिया। चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। ये हमने चिकन ले लिया, दो अदद हमने अंडे ले लिए। ये लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है मैंने 2 टीस्पून के करीब। ये थोड़ा सा धनिया चॉप कर लिया है। ये चाइनीज़ नमक ले लिया है 1/2 टीस्पून के करीब। ये 1 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर है। ये कुटी हुई मिर्ची 1 टीस्पून के करीब। चिल्ली सॉस है 2 टीस्पून के करीब। ये हमने ब्रेड ले लिया है 4 अदद। ये पहले चले हम चिकन बॉयल होने के लिए रखते हैं। देखिए, ये मैंने चिकन पतीली में डाल दिया। हम इसको पहले बॉयल करेंगे। ये ब्लैक पेपर है, ये इसमें शामिल कर देंगे हम। ये चाइनीज़ नमक है, ये इसमें शामिल कर देंगे। ये चिल्ली सॉस है, ये शामिल कर देंगे। इसमें जाएगा ये 1 कप के करीब पानी है, ये हम शामिल कर देंगे। इसी में हम चिकन अच्छे से बॉयल कर लेंगे। हमारी चिकन अच्छे से इसमें गल जाए, और उसमें नमक ऐड कर देंगे। अब ये नमक 1 टीस्पून के करीब ये शामिल कर देंगे। अब इसको मैं कवर कर देंगे, इसको हम गलने में रख देते हैं। ये हमारा इसी पानी में अच्छे से गल जाएगा। ठीक है, ये अच्छे से माशाल्लाह कपने लग गई है हमारी चिकन। अब इसमें लहसुन अदरक शामिल कर देंगे। अब मैंने ये देखें ब्रेड पेस्ट किया, मैंने कोने कट कर लिए इसको चारों तरफ से। अब मैं इसको पानी में, हम इसको डिप कर देंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इसको हम भिगो देंगे। ओके, ये देखें इसका माशाल्लाह पानी अच्छे से खुश्क हो गया चिकन का हमारे, और चिकन भी हमारी गल गई है। अब हम इसको प्लेट में निकाल के ये चिकन के रेशे रेशे कर लेंगे इसकी बोटियों के। ये देखिए, ये मैंने निकाल लिए, इसके मैंने रेशे रेशे कर लिए चिकन के। जो हड्डियाँ थी वो मैंने निकाल दी हैं, इसके ऐसे हमने रेशे रेशे कर लिए हैं। ये मैंने जो भिगो दी थी ब्रेड्स, अब इसमें अंडा मिक्स कर लेंगे। ऐसे अंडा ऐड कर लेंगे इसके अंदर। ये कुटी हुई मिर्ची 1 टीस्पून ये शामिल कर लेंगे। अब इसको अच्छे से हम ऐसे मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। ये आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना, कमेंट से बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अब इसके अंदर ये चिकन शामिल कर देंगे हम। इसको अच्छे से हमें मिक्स करना। ये हरा धनिया ये शामिल कर देंगे। ये देखें, ये मैंने स्टिक ले लिए। ये मैंने ऐसे डबल करके इसको हाथ धागे की मदद से इसको मैंने ऐसे डबल कर लिया, ताकि ये थोड़ी बड़ी हो जाए। ऐसे में देखिए छोटी है, तो आप लोग भी ऐसे कर लीजिएगा ताकि थोड़ी बड़ी हो जाएगी। ये मैंने स्टिक ले लिया। अब हम हाथ ग्रीस कर लेंगे। थोड़े से ये ऑयल रख लिया है, इसमें हल्का सा ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारा ये बेटर चिपके नहीं इसके अंदर। शेप आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। ये हाथ ग्रीस करेंगे। ये मैंने हाथ में ऑयल लगा लिया, फिर एक मिनट में ऐसे करें ताकि इजी आराम से बन जाएंगे आपके। अगर आप चाहे तो गोल भी कर सकते हैं, पर मैं ऐसे कर रही हूँ, गोल अच्छा नहीं लगेगा इसके अंदर शेप। आपकी अपनी चॉइस है, आप जैसा भी इसको शेप दे दें। मैं ऐसे ही कुल्फी की तरह ले लूँ इसका। देखिए, हम सारे ऐसे रेडी कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने सारे बना लिए। ये हमने अंडा था, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। ये हमने लेस ले लिए।
आप चाहे तो ब्रेड गम ले सकते हैं, मैंने लेस लिए इसको, मैंने चूरा कर लिया इसका टेस्ट। अब इसको हम पहले अंडे से वॉश करेंगे, थोड़ा सा करते हैं, यहाँ हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। पहले हम अंडे में अंडे में हमने कोट कर लिया इसको ऐसे, फिर हम इसको ऐसे लेस में कोट कर देंगे। हम इसको फ्राई कर लेंगे, ये अंडे में हम इसको ऐसे कोट कर लेंगे। अंडे में कर लिया हमने इसे, ये लेस ऐसे करना है। ये देखिए हम इसकी प्लेन एकदम स्लो रखेंगे, फुल आँच पे हमें नहीं फ्राई करना है, इसकी मीडियम आँच रख के हम फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी से ये फ्राई हो जाए हमारे। अब इसको हम बंद कर देंगे, माशाल्लाह की प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और कमेंट से बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है ये वाली। ठीक है माशाल्लाह ये हमारे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, माशाल्लाह इतना प्यारा सा इसमें कलर आ गया है, एकदम क्रिस्पी से बने हुए। हमारी चिकन तो गली हुई थी तो हमें बस इसको थोड़ा सा ही कलर देना होगा। एक साइड पे इसका कलर आ गया, देखिए गोल्डन आ गया है। अब दूसरे साइड हम इसको फ्राई करके डिश आउट कर लेंगे, इसको निकाल लेंगे, फिर बाकी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ये मैंने निकाल लिया कि अच्छे से फ्राई हो गए, देखिए आप लोग बाकी ये फ्राई हो गए हमारे। एक साइड पर कलर आ जाएगा तो मैं इसको बंद कर दूँगी, देखें एकदम स्लो आँच पर हमें इसको फ्राई करना है। इसके साथ हम ग्रीन चटनी बनाएंगे, उसके साथ इसको सर्व करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमारे रेडी हो गए हैं। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी इसको, हम डिश आउट कर लेते हैं, हमारे कबाब रेडी हैं। ये देखेंगे डिश आउट हो गया है, देखें आप लोग। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें, कमेंट से बताएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।